कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने कई इकदाम उठाए हैं, जिनमें कोरोना कर्फ्यू को मजीद 17 तारीख से आगे 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू में ये कोशिश की गई है कि सिर्फ बेयर मिनिमम जो पब्लिक मूवमेंट है, मेडिकल इमरजेंसीज के रिलेटेड हो, उसी को बस परमिट किया जाए। बाकी जो ओवरऑल जनरल पब्लिक मूवमेंट है उसको कम किया गया है। एक और जो रिलैक्सेशन दी गई है वो है जो पारंपरा मंडी है, क्योंकि हमारी स्ट्रॉबेरी और चेरी की जो फसल है वो अब तैयार हुआ चाहती है, तो ऐसे में उन किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, जिसके एसओपी ऑलरेडी बता दिए गए हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम नंबर ऑफ केसेस के एतबार से देखें तो समझने की बात यह है कि आज हम कहां हैं। तो पूरे इस जो मई का महीना है, इसमें सबसे ज्यादा केसेस 4 मई को आए थे, जो 1311 केसेस थे। उसके बाद लगातार जो कोरोना कर्फ्यू है उसकी उसके जो रिजल्ट्स हैं हमें मौसूल हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, केसेस में गिरावट आ रही है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें जिस तरीके से हमने अभी तक तहमल का मुजाहरा किया है, पब्लिक मूवमेंट को मिनिमाइज किया है, अभी इसके बाद भी हमें मिनिमम पब्लिक मूवमेंट ही करनी है। इसके अलावा श्रीनगर जिले में 500 बेडेड डीआरडीओ हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और ये फैसिलिटी भी आवाम को सौंपी जाएगी। नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं एसएमएचएस हॉस्पिटल में, सीजी हॉस्पिटल में काम जारी है, सिविल वर्क्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और जो मशीनरी है वो भी आज आ चुकी है और इन प्लांट्स को अनकरीब इंस्टॉल कर लिया जाएगा और फुल्ली ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ जिला श्रीनगर में कम्युनिटी ट्रायजिंग भी चल रही है, घर घर जाकर हमारी मेडिकल टीम्स देख रही है कि पॉजिटिव पेशेंट के लिए इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत क्या क्या है, क्या होम आइसोलेशन की जरूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तमाम इन जो पैरामीटर्स हैं इनको मॉनिटर किया जा रहा है। अलावा जी ऑनरेबल एलजी साहब की हिदायत पर 1,95,93,000 रुपया जो है वो डिस्बर्स कर दिया गया है। 19,593 जो हमारे कंस्ट्रक्शन एंड अदर बिल्डिंग वर्कर्स हैं उनके बीच में तकसीम कर दिया गया है। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अहम बात यह है और जरूरत इस बात की है कि हम सब, मैं आवाम से अपील करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर एज ए सोसाइटी कोरोना वायरस की जो ये लगार है इसके खिलाफ सब मिलकर लड़े, और जिस तरीके से हमने फर्स्ट वेव को कामयाब तरीके से ओवरकम कर लिया था, उसी तर्ज पर जो सेकंड वेव है कोविड की उससे भी हम बाहर निकल कर आएंगे अगर हम एसओपीज का पूरा पालन करें।